जय बजरंगबली। आज हमारा इंस्पायरिंग 70 का 14वां दिन। ये था मेरा बॉडी वेट और आज की कंडीशन। इसके बाद मैंने सनलाइट लेने के बाद पहले मील लेकर अपनी माँ से बात करी और इसके बाद बाकी सारी मील्स पैक करके मैं निकल गया जिम के लिए। जिम में था मेरा शोल्डर डेल्ट का वर्कआउट। पूरा का पूरा वर्कआउट मैंने मेंशन कर दिया है। बॉडी वेट गिर रहा है तो मुझे हल्का हल्का ये भी फील हो रहा है कि मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, जो कि बहुत नेचुरल है। और आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं रोहित दलाल भाई, जो कि एक इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं और अभी बॉडी बिल्डिंग में ट्रांजिट होने की सोच रहे हैं। और आज था इनका लेग्स का वर्कआउट। पूरा वर्कआउट मैंने मेंशन कर दिया है। ये उन चंद एथलीट्स में से हैं जिन्हें मैं जितना वर्कआउट बोलूँ उतना पूरा करते हैं। भाई की पर्सनैलिटी एकदम रोबस्ट और स्टड है। ये जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप जब इनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि भाई ने कहीं जीभ का लट बांध रखा है। भाई अगर आपको जिंदगी में कोई भी काम करना है तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये नहीं सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और आज का मेरा स्पेशल चैलेंज था वेट लिफ्टिंग। स्टार्टिंग में मैंने क्लीन प्रेस और पावर स्नैच से स्पेसिफिक वार्म अप किया। इसके बाद मैंने क्लीन ग्रिप में हाई पुल्स करे। उसके बाद मैंने प्रॉपर क्लीन करी। वेट लिफ्टिंग में दो इवेंट होते हैं, क्लीन एंड जर्क और स्नैच। क्लीन एंड जर्क दो पार्ट में होते, क्लीन और उसके बाद जर्क। क्लीन एंड जर्क में आप एक बार वेट रोक के सर से ऊपर उठाते हो और स्नैच में डायरेक्ट वेट सीधा सर से ऊपर उठा देते हो। यहाँ पे मैं 60 kg से क्लीन एंड जर्क करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैंने करी स्नैच। पहले मैंने शुरुआत करी हाई पुल्स स्नैच ग्रिप में, जो कि स्नैप का एक स्पेसिफिक वार्म अप है। उसके बाद मैंने स्नैच के लिए अटेम्प्ट करा, लेकिन मैं प्रॉपर स्नैच कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है और मोबिलिटी कम है। 2-3 बार फेल अटेम्प्ट्स के बाद मैंने ओवरहेड स्क्वाट करने की सोची, जो कि स्नैच ग्रिप में थी, जिसकी वजह से मेरी इंस्टेंट मोबिलिटी थोड़ी इंप्रूव हुई और उसके बाद मैं प्रॉपर स्नैच कर पाया। ओवरहेड स्क्वाट एक एसेसरी एक्सरसाइज है आपकी स्नैच की परफॉर्मेंस के लिए। आप देख सकते हो मेरा फाइनल स्नैच का अटेम्प्ट जो सक्सेसफुल रहा। ये सब करने के बाद जब तसल्ली नहीं हुई तो थोड़ी अड़बात करने की मन में आ गई। ये था 50 kg से 1 arm पावर स्नैच। अजीत भाई बोले भाई स्वाद नहीं आया, तो हमने फिर 60 kg तभी एक 1 arm पावर स्नैच करा और ये देख के अजीत भाई को काफ़ी जलन हुई, हा हा हा। इसके बाद ऑनलाइन कोचिंग खत्म करके घर पे मैंने करी थोड़ी सी पढ़ाई और अगले दिन की प्लानिंग। और आज की हेल्थ एडवाइस आपके लिए है, हाई फाइबर डाइट लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन और अदर डाइजेस्टिव इश्यूज में काफ़ी रिलीफ मिलेगी और आपको कोलन कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि कोलन कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न लो फाइबर डाइट लेना ही है। फाइबर का काम है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ रखना।